ये आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? महात्मा गांधी, लाल किला, समोसा और बिल्ली। ये महात्मा गांधी, लाल किला, समोसा और बिल्ली, ये चीजें आपको। तो ये जो चित्र है, चित्र में जिनका नाम है वो महात्मा गांधी आपने बता दिया, और ये कौन सी चीज है, ये आपने समोसा बता दिया, ये इस वस्तु का नाम आपने बता दिया समोसा है, और ये स्थान जो है दिल्ली में है लाल किला है, और ये प्राणी का नाम बिल्ली। बिल्ली, बिल्ली, ये इन सबके नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, तो ये जितने भी नाम है वही संज्ञा। तो इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करवा सकती हैं कि इन्हीं चीजों से छोटे छोटे वाक्य पूछ सकती हैं। अच्छा, आप जल्दी से मुझे एक छोटी सी कहानी बता दिए इन चार चित्रों को जोड़कर। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता है। लाल किला पर 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। समोसा नमकीन होता है और बिल्ली बहुत चपल जानवर है। ओ, बहुत सुंदर। एक बार क्या हुआ पता है, महात्मा गांधी जी जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली गए, वहां पर वो लाल किला के, लाल किले के सामने बैठे थे। उन्होंने देखा कि छोटी सी बिल्ली म्याओ 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 महात्मा गांधी जी को बुला रही थी। तो महात्मा गांधी जी ने पूछा, हाँ बिल्ली क्या हुआ? म्याओ म्याओ। तो तुम्हें भूख लगी है? हाँ बहुत भूख लगी है, एक मिनट मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगा लेता हूँ। तो गांधी जी को तो समोसा बहुत पसंद है, वो भी हरी चटनी के साथ, तो उन्होंने समोसे मंगवा लिए। बिल्ली ने समोसे खाए, उसके बाद उन्होंने गांधी जी का बहुत धन्यवाद किया। तो बिल्ली धन्यवाद कैसे करेगी, कैसे करेगी बिल्ली धन्यवाद? अपने पत्नी को जोड़कर बिल्ली धन्यवाद करेगी। यस, तो इस तरह की रोचक कहानियों के साथ एक तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे क्योंकि वो म्याओ म्याओ बोलना उनको बहुत पसंद है, और साथ में इसमें उन्होंने बाकी भी बना लिए और एक कहानी का रूपांतरण भी हो गया, कहानी के रूप में चित्रों के आधार पर रूपांतरण भी हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और कोई सजेशन है कि संज्ञा सिखाने का और कोई नया तरीका? अच्छा ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है संज्ञा, आज की कार्यशाला का विषय है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे लिए बहुत जरूरी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कोई भी चीज कुछ भी चाहे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। सीखने का प्रतिफल या सीखने की संप्राप्ति जिसे कहते हैं, हमेशा हमें ध्यान देना होगा कि एट द एंड ऑफ द सेशन की खत्म होने के बाद बच्चे में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या आने चाहिए। तो संज्ञा शब्दों की पहचान हो जानी चाहिए और उनका प्रयोग भी आ जाना चाहिए, और साथ में भेदों के आधार पर वर्गीकरण, मतलब संज्ञा के जो तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों को वर्गीकृत करना, उन्हें उसे कैटेगरी में रखना उन बच्चों को आ जाना चाहिए। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आप लोग लेसन प्लान्स में लिखते हैं, तो वहां पर ये चीजें मेंशन होना जरूरी है। और ये चित्र है, यहाँ पर चित्र में पौधे, महात्मा बुद्ध, मोर, एक उपवन का चित्र है और साथ में माली है, फूल खिले हैं, और इस उपवन का नाम है बुद्ध जयंती उद्यान। इसके आधार पर बच्चे संज्ञा शब्दों के बारे में जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, और इसके अलावा भाव जो फील करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उन चीजों को संज्ञा के अंदर रखते हैं। हम संज्ञा शब्द हर जगह होते हैं, बस इन्हें पहचानना है। इसके आधार पर भी आप उसी तरह से लिखवा सकते हैं, कहानी बनवा सकते हैं, और नहीं तो उन्हें अलग अलग तरीके से वस्तुओं के नाम अलग लिखिए, स्थान के नाम अलग लिखिए, या प्राणियों के नाम अलग लिखिए, उस तरह से उन्हें सिखा सकते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस तीन लेवल के जो बच्चे होते हैं, उन्हें हम कहानी, सबसे पहले कहानी सुनाकर या कहानी को बोर्ड पर लिखकर उन्हें हम संज्ञा का अभ्यास करा सकते हैं या संज्ञा से परिचित करवा सकते हैं। राम और श्याम, हमेशा याद रखिए कहानी वही लीजिए जो बच्चों से संबंधित हो,
जो बच्चे वर्ड से फेमिलियर हो, जिससे भिज्ञ हो। राम और श्याम दिल्ली में रहते थे, वे दोनों विवेकानंद विद्यालय में पढ़ते थे। एक दिन उनकी कक्षा के सभी छात्र क्रिकेट देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गए। दोनों मित्रों ने चिप्स, शरबत, समोसा खरीदा। तभी राम और श्याम ने अपने प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को देखा और वे खुशी से उछल पड़े। तो इसमें से बहुत सारे शब्द हैं जो ऑलरेडी बच्चे परिचित हैं। यहाँ पर दो बच्चों के नाम लिए गए हैं। कौन से दो बच्चे हैं? राम और श्याम। राम और श्याम। स्थान कौन सा है? दिल्ली। विद्यालय का नाम क्या है? विवेकानंद विद्यालय। और कहाँ वो क्रिकेट देखने के लिए गए? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गए, वो भी एक स्थान का नाम है। कौन कौन सी वस्तुएं उन्होंने खरीदी? चिप्स खरीदे, शरबत खरीदे, समोसा खरीदा। अच्छा, किसको देखकर वो खुश हो गए? सचिन तेंदुलकर को देखकर। सचिन तेंदुलकर को देखने पर उन्हें कैसा अनुभव हुआ? वो कैसा फील किए? खुशी का अनुभव हुआ। तो यहाँ पर आपके संज्ञा के सभी शब्द आ गए हैं और ये कहानी के माध्यम से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे मतलब वर्गीकृत कर सके कि स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तुओं का नाम और भाव के नाम। भाव कौन कौन से? तो वही है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कौन कौन से व्यक्ति वहां पर थे? राम और श्याम। दिल्ली था। वस्तु का नाम समोसा, शरबत, चिप्स वगैरह थे। भाव का नाम खुशी। तो इसे ही कहते हैं संज्ञा। बड़े क्लासेस में हम परिभाषा भी देते हैं लेकिन एग्जाम में कभी भी परिभाषा नहीं पूछते हैं बच्चों से। हम केवल बच्चों से आइडेंटिफाई करना, उन्हें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ना, या उन्हें कहते हैं कि सर्किल कीजिए कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा भाववाचक है। नहीं तो भाववाचक में रूपांतरित करना, विशेषण से भाववाचक बनाना या क्रिया से भाववाचक बनाना, ऐसा ही हम सिखाते हैं। क्योंकि सीबीएसई रूल के हिसाब से परिभाषा नहीं पूछनी चाहिए परीक्षाओं में, केवल प्रयोग पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जब भी आप इस तरह का जब भेद लिखाते हैं तो भेद को इस रूप में लिखाइए ताकि क्या बच्चा थोड़ा खुशी के साथ कर सके। एक मिनट, ऐसे बना दीजिए और यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक एक माइंड मैप के रूप में करवाइए। और जहां व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक लिखता है उसके बाद फिर एरोस देने के लिए कहिए और बोलिए कि वहां पर उसके भेद लिखिए। क्योंकि बच्चे क्या है ना कि अगर स्ट्रेट लाइन में आप देते हैं वो उसे ज्यादा दिन याद नहीं रख सकेंगे, लेकिन अगर उसे ही एक माइंड मैप के फॉर्म में एक या नहीं तो एक फ्लो चार्ट के रूप में देंगे वो ज्यादा बहुत दिनों तक वो चीजें याद रखेंगे। तो भेद लिखाते समय हमेशा बच्चों को बोलिए कि वो एक माइंड मैप के रूप में बनाएं या एरोस देकर लिखे या नहीं तो कलर पेंसिल का प्रयोग करे, स्केच पेंसिल का प्रयोग करे ताकि भेद याद रहे। और स्पेशली व्यक्तिवाचक में स्पेलिंग, जातिवाचक में स्पेलिंग जाति, ता में छोटी की मात्रा आनी चाहिए, वहां पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। इसके अलावा जो हायर क्लासेस जब हम जा रहे हैं 6 to 8 में जा रहे हैं तो जातिवाचक दो तरह, उनके भी दो भेद होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूह मतलब होता है ग्रुप, जहां पर समूह जैसे फौज, सेना, सभा, ये सभी समूह में आते। द्रव्य में मटेरियल जैसे सोना, चांदी, दूध, इस तरह की चीजें द्रव्य में आती, वो जातिवाचक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। लेकिन हम अप टू 5th स्टैंडर्ड उसे हम अलग अलग नहीं सिखाते, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाव। 6 to 8 में हम जातिवाचक के दोनों भेद सिखाते हैं, बताते भी हैं कि समूहवाचक भी होता है, द्रव्यवाचक भी होता है, पर एग्जाम में पूछते समय व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ही पूछे। उन्हें ये ना पूछे कि वो द्रव्यवाचक है, वो समूहवाचक है, क्योंकि सीबीएसई में या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी उसके बारे में मेंशन नहीं है।
अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है कि किस तरह करना चाहिए, किस तरह अभ्यास देना चाहिए, कहीं कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ सकती हूँ? Yes, अब है एक गतिविधि। तो गतिविधि करने से पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। एक डब्बा ले लीजिए और उसमें ऐसे छोटे छोटे चिट जिसमें लिखा हो जैसे प्यासा, रामायण, दोस्ती, ऐसे बहुत सारे चिट्स बना लीजिए, बहुत सारे चिट्स बना लीजिए और एक डब्बे में रख लीजिए। डब्बे में रखने के बाद पूरे क्लास को चार सेक्शन में, आपके मतलब अगर 15 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं तो उसके हिसाब से छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद आपका जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में तीन कॉलम बनाइए। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उन ग्रुप्स में से दो बच्चों को बुलाइए, दो बच्चों को आने के लिए कहिए। एक बच्चा बोर्ड के पास खड़ा रहेगा और दूसरा बच्चा इस बॉक्स के अंदर से एक चिट निकालेगा और उस चिट को निकाल कर पढ़ेगा। यहाँ पर आम लिखा हुआ है, आम फल का नाम। वो अपने ग्रुप से पूछ सकता है कि ये कौन से संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, वो पूछ सकता है अपने ग्रुप के मेंबर से। वो सब ग्रुप मेंबर बताएंगे कि हाँ ये आम किसमें आएगा, जाति वाचक में आएगा। तो जो दूसरा बच्चा है जो बोर्ड के पास खड़ा है वो वहां पर जाति वाचक में आम शब्द लिखेगा। अगर वो ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, कोई दूसरा ग्रुप उसका उत्तर बताता है तो बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर सही आंसर है तो 5 अंक दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। इस तरह से एक गेम करवाइए जिससे बच्चे एकदम थॉरो हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और आपका बोर्ड जब पूरा खत्म हो जाएगा तो इस तरह का बन जाएगा। तो मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है इसलिए मैंने एक कार्डबोर्ड यूज कर लिया है कि ये जो वर्ड्स हैं उसके अनुसार। तो आपके बोर्ड पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के कम से कम 10 10 10 मतलब 30 शब्द आ गए। इन 30 शब्दों को बच्चों से कहिए कि अपने नोटबुक में लिख ले ताकि वो कभी ना भूले। अगर आपके पास बड़ा सा चार्ट पेपर है तो वो भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपके द्वारा लिखे हुए छोटे छोटे जो स्लिप्स हैं वो वहां पर स्टिक कर दीजिए और वो चार्ट पेपर आप अपने क्लास में टांग पर छोड़ सकते हैं। ये एक गतिविधि है जिससे बच्चे अपनी प्लेस से थोड़ा मूव होंगे और साथ में एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट रहेगा कि हाँ हमारे ग्रुप ने आइडेंटिफाई कर लिया है, दूसरा ग्रुप नहीं कर पा रहा। दूसरा ग्रुप को रहेगा कि मुझे और अच्छी तरह से समझना है। इससे आप फाइंड आउट कर लोगे कि कौन सा ग्रुप अच्छी तरह से समझ गया है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं समझे होंगे लेकिन वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, वो अपने दोस्तों से पूछ लेंगे और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है संज्ञा करवाने के लिए। अगर आपके पास कोई एक्टिविटीज हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलते हैं, मैं नेक्स्ट वाले पे चलो। वही गतिविधि मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कि सबसे पहले कागजों के टुकड़ों पर व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, जगहों के नाम लिख लें। इन चिट्स को एक कटोरी में डाल दें, बोर्ड पर तीन वर्ग बना लें, बच्चों को गुटों में बांट दें। एक छात्र आएगा, कटोरी से चिट निकालेगा और वह शब्द कौन सी संज्ञा है पहचानेगा और उसी गुट का एक और छात्र उस शब्द को लिखेगा। सही उत्तर देने पर अंक दिए जाएंगे। तो ये एक गतिविधि है और आपका बोर्ड किस तरह दिखेगा। व्यक्तिवाचक के जितने भी हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, भाव हैं, तो ये पहले जब आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक नहीं करवाए हैं उस समय भी करवा सकते हैं। अगर आपने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तीनों भेद करवा लिए हैं तब ये एक्टिविटी आप करवा सकते हैं यहाँ पर ऐसे लिखकर।
अब आता है अभ्यास कार्य। कक्षा 6 और 7 के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दे सकते हैं, लेकिन कक्षा 3, 4 और 5 कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत ही सिंपल साधारण वाक्य दें। संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य बनाएं। मेरा नाम डैश है, तो मेरा नाम उषा है, तो बच्चे अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। मैं डैश में रहता हूँ, मैं चेन्नई में रहती हूँ, मैं चेन्नई में रहता हूँ, बच्चा जहां पर भी रहता है वो लिखेगा। भारत की राजधानी दिल्ली है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो इस तरह के छोटे छोटे वाक्य दीजिए और कोशिश कीजिए कि बच्चा अपना परिचय भी देता जाए, क्योंकि साथ में बच्चे अपने बारे में भी लिखना जान जाएंगे, कुछ ऐसे नए शब्द भी जान जाएंगे जो वो डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नीचे लिखे शब्दों में संज्ञा शब्दों पर बोला लगाओ, ये जरूर करवाइएगा। इसमें क्रिया शब्द साथ में दे दीजिएगा, जैसे रोहन नाचना, तोता रहना। यहाँ पर बच्चे हमेशा क्रिया शब्द पहले हम संज्ञा से परिचित करवाते हैं, क्रिया बाद में परिचित करवाते हैं। तो बच्चे वहां पर पूछते हैं कि मैम दौड़ना भी संज्ञा हो गया क्या? तो वो वहां पर उसके डाउट को क्लियर करने के लिए ये बताए कि जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो क्रिया है, वो संज्ञा के अंतर्गत नहीं आते हैं। वो डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए ये आप अभ्यास कार्य दे सकते हैं, जैसे रोहन डैश नाचना डैश तोता रहना। तो इसमें कौन सा संज्ञा है उसके ऊपर सर्किल कीजिए, और सर्किल करवाते समय उन्हें बोलिए कि कोई भी कलर पेंसिल का प्रयोग करें ताकि वो उसे याद रख सके। गाना तितली खेलना बस, तो यहाँ पर तितली और बस संज्ञा शब्द है। उसी तरह पटना स्लैश पीना स्लैश हंसना स्लैश स्लैश चिड़िया, तो यहाँ पटना और चिड़िया। अब हम आते हैं और एक छोटी सी कहानी। कहानी पढ़ो और संज्ञा पर बोला लगाओ, ये क्लास 6-7 को भी दे सकते हैं। हीरा लाल टोपियां बेचने शहर जा रहा था, रास्ते में एक जंगल था, वह थककर सो गया। पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे, बंदरों ने हीरा लाल की टोपियां निकालकर पहन ली। हीरा लाल जागा, उसने देखा गट्ठर में टोपियां न थी। उसे तरकीब सूझी, उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां। ये कहानी आप क्लास में सुना भी सकते हैं, साथ में लिख के दे भी सकते हैं, बोर्ड पे भी लिखवा सकते हैं, और बच्चों से कहिए कि इसमें से संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। आप श्रुति ये भी करवा सकते हैं, श्रवण कौशल का टेस्ट भी करा सकते हैं, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करा सकते हैं। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप दे सकते हैं कि इसमें से व्यक्तिवाचक शब्द निकाल लीजिए, जातिवाचक शब्द निकाल लीजिए, उस तरह के आप संज्ञा शब्द निकाल लीजिए या क्रिया शब्द निकाल लीजिए, वो एक्टिविटी भी करा सकते हैं। आपके लिए एग्जाम में जो असेसमेंट होने वाला है, असेसमेंट में भी आपको इस तरह का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से आप भाववाचक संज्ञा अगर है तो, नहीं तो जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। कम से कम दो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो दो जातिवाचक संज्ञा या कहानी के लिए एक शीर्षक और एक शिक्षा दीजिए। आप बताइए कि इस कहानी का एक शीर्षक क्या हो सकता है, इसका टाइटल क्या हो सकता है? टोपी वाला। बहुत अच्छे, और शिक्षा क्या? क्या इससे क्या मैसेज मिल रही है स्टोरी से? हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। एग्जैक्टली, सूझबूझ से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। हाँ, समझदारी से कोई भी मतलब काम हम कर सकते हैं, किसी भी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो आपको एक कहानी दिया जा सकता है शीर्षक या शिक्षा लिखने के लिए दिया जा सकता है, नहीं तो केवल टॉपिक देकर कहा जा सकता है कि एक छोटी सी कहानी लिखिए, मैसेजफुल कहानी लिखिए। बच्चों से भी आप कहानी बताइए और बोलिए कि अच्छा इससे क्या मैसेज मिला। आप इनकम्प्लीट स्टोरी यहीं पे छोड़ दीजिए, दो लाइन आगे करके छोड़ दीजिए,
बोली इसे कंप्लीट कीजिए और अच्छे इसके बाद और क्या हो सकता है, और भी कोई आइडिया है क्या तुम्हारे पास कि बंदरों ने ऐसे मतलब टोपियां ले ली है, तो और कोई आइडिया बताओ कि जहां टोपियां वापस हो सके। इससे क्या हो गया, बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग, जो उसका क्रिटिकल थिंकिंग है, तार्किक बुद्धि है, उसका विकास होगा। अब ये आपके लिए है, आप सब बीएड में परिचित होंगे टीचिंग लर्निंग एड, आप लोग क्लास में चार्ट पेपर पे बनाते होंगे या कुछ बोर्ड पे बना के रख लेते होंगे। तो यह है टीचिंग लर्निंग एड जो टीचर्स को बनाकर क्लास में लगाना है, और आप लोगों को इस सेशन के अंत में एक टीचिंग लर्निंग एड बनाना है संज्ञा के लिए या सर्वनाम के लिए, जो भी टॉपिक हम आज कवर करने जा रहे हैं उसमें से कम किसी एक टॉपिक पर टीचिंग लर्निंग एड आप जरूर बनाएंगे। आप सबसे मैंने कहा था एक छोटा सा पेपर का पीस ले लीजिए, सबके पास है। चलिए बहुत प्यार से अपना नाम इस छोटे से कागज पे लिखिए, क्योंकि अपने नाम से सबको प्यार होता है। तो अच्छी तरह से बहुत सुंदर अक्षरों में अपना नाम लिखिए। और थोड़ा और सजाना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, सजा दीजिए अपने नाम को। सबने अपना नाम लिखा। दिखाइएगा लिखने के बाद वो छोटा सा स्लिप मुझे। रीबा मैम बहुत सुंदर। यस रचना मैम मैं भी देख सकती हूँ। वाव आशा मैम ने तो इतना बड़ा लिखा है, बहुत सुंदर। भुवनेश्वरी मैम थैंक यू सो मच। मधु मैम थैंक यू। यस नादिया मैम गुड, थैंक यू मैम। कल्याणी मैम बहुत अच्छे। तो बाकियों को अपने नाम से प्यार नहीं है, है? तो जल्दी से अपना नाम एक छोटे से कागज पे लिखिए और जल्दी से मुझे दिखाइए। यस बेबी मैम, हाँ बेबी मैम तो पूरे बुक में अपना नाम लिख रही है, एक कागज का टुकड़ा काफी है। यस यस वनजा मैम, गौरी मैम थैंक यू बहुत अच्छा। यस मानव सर क्या हो गया आपको अपने नाम से प्यार नहीं? चंद्रा मैम, चंद्रकला मैम यस सर वेरी गुड। चलिए बाप रे चंद्रकला मैम तो पूरा आधा से ज्यादा पेज यूज कर लिए। चलिए तो जल्दी से उसे फोल्ड कीजिए। फोल्ड हो गया तो इस डब्बे में फेंकिए। मेरे डब्बे में आ जाना चाहिए आप सबका नाम। आ गया, आ रहा है शायद। जोर से फेंकिएगा, मेरे डब्बे में ही गिरना है, यहीं पे गिरना है। डाल दिए, वेरी गुड। तो भुवनेश्वरी मैम का आ गया, आशा देवी मैम का आ गया है, यस बहुत सारे। रचना मैम का भी आ रहा है, पोस्ट में नहीं भेजिए, बस यहाँ वहां से फेंकिए कि मेरे डब्बे में गिरे डायरेक्ट। यस मैम, यस यस, हाँ मैं कैच कर रही हूँ। हाँ बेबी मैम ठीक से फेंकिएगा। यस मधु मैम, यस नादिया मैम, यस मयूरी मैम, नाम नहीं लिखे? ओके लिखा है मैम, लिखा है। लिखे तो डालिए डब्बे में। यस वसंता मैम आ गया, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सबके नाम मेरे डब्बे में, अब आपके पास आपके नाम नहीं है। अब आप एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। मधु मैम भुवनेश्वरी मैम के कल जो उनका क्लास हुआ था उसके बारे में मुझे बताइए। पर नाम बिना नाम मतलब नाम का प्रयोग आप नहीं कर सकते। हाँ जी मधु मैम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बताना yes. चाहती हूँ कि कल जो क्लास हुआ था उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, और बहुत सारी गतिविधियां के बारे में हमने जानकारी दी हमें क्या बोलते हैं उषा मैम ने भी बताया और
दूसरा वाला मैम का मैं नाम उन्होंने हाँ उन्होंने उन्होंने हमको बहुत सारी जानकारी दी आपने अच्छा तो आपने उन्होंने उनका ये सब क्या है ये सब जो है सर्वनाम है सर्वनाम तो जब आपके पास कोई नाम ही नहीं है आप सबने अपना नाम मेरे डब्बे में डाल दिया है आपके पास नाम नहीं है अब आपको नाम की जरूरत है कहाँ से आएगा तो सर्वनाम सभी के लिए वो नाम आपके लिए मेरे लिए हमारे लिए उनके लिए उसके लिए उसका सबके लिए हम तुम आप चाहे वो अमीर हो या गरीब हो सबके लिए हम आप सब प्रयोग होता है इसलिए उसे कहते हैं सर्वनाम मतलब सबके लिए वो नाम। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं सर्वनाम। तो ये एक्टिविटी आपको बहुत काम आएगा। एक थोड़ा बड़ा बास्केट ले लीजिएगा, बच्चों को बोलेगा अपना नाम लिखिए और पेपर का एक बॉल बनाइए और वो बॉल एग्जैक्ट उस बास्केट में गिरना है। देखिएगा कितने लोग दौड़ दौड़ कर आएंगे अपना नाम डब्बे में फेंकने के लिए। अब जब फेंक दिए अपना नाम तो उनके पास तो अब कुछ है नहीं, मजबूरी में उसे सर्वनाम करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक है, विषय है सर्वनाम। तो ये एक्टिविटी काम आएगा बच्चों में थोड़ी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। तो बंद ही नहीं हो रहा। यस यस मैम जी मैम बिल्कुल काम आएगा, बहुत काम आएगा क्योंकि बच्चे वो पेपर पे अपने नाम लिख के फेंकने के लिए एकदम आगे रहेंगे। उसकी बाद का एक्टिविटी पता नहीं पर ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो वही एक्टिविटी मैंने यहाँ पर लिख मतलब बस लिख दी हूँ। एक स्क्रीनशॉट तो शिक्षक छात्रों के सामने डब्बा रखेंगे, बच्चों को कहेंगे कि वे अपना नाम डब्बे में डाल दें। अब किसी के पास नाम नहीं है, अब बच्चे एक दूसरे के बारे में बात करेंगे बिना नाम। बच्चे यह वह वे आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो उनसे क्या होगा एक तब शिक्षक सर्वनाम से परिचित करा सकते हैं। अब है सर्वनाम की पहचान। इसमें सीखने का प्रतिफल क्या है, पहचानना है और प्रयोग, ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि बच्चा उसे पहचानेगा यह वह वे हम हमारे ये सब पहले पहचानेगा और उसका साथ में प्रयोग भी करेगा। ये आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? यस मैम यस मैम ये मुझे पूरा मतलब स्लाइड शो करने की आवश्यकता है या ऐसे भी चलेगा? ऐसे हो जाएगा मैम, ऐसे भी चलेगा। ओके गुड। तो एक छोटी सी कहानी, कहानी हमेशा मतलब बच्चों में रोचकता जगाती है। तो रीता बहुत अच्छी लड़की है, रीता रोज विद्यालय जाती है। रीता के भाई का नाम राम है। रीता को आइसक्रीम पसंद है, रीता रोज आइसक्रीम खाती है। रीता बीमार पड़ गई, आइसक्रीम खाने से तो बीमार पड़ते है ना, तो डॉक्टर ने रीता को आइसक्रीम खाने से मना कर दिया। तो इसमें हर बार कुछ अटपटा लग रहा आपको? यस मैम, रीता तो इतनी बार रीता कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अटपटा लगेगा। तो उसके जगह पर रीता के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? वाह वाह यहां उसके हम प्रयोग। तो मैं चाहूंगी कि सुमिता मैम, रीता बहुत अच्छी लड़की है, मैंने वो सेंटेंस कह दिया है, उसका बाद का वाक्य आप सर्वनाम के प्रयोग के साथ बताइए। जी, रीता बहुत अच्छी लड़की है, वह रोज विद्यालय जाती है, उसके भाई का नाम राम है, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, वह रोज आइसक्रीम खाती थी, वह एक दिन वह बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने उसको आइसक्रीम खाने से मना किया। बहुत अच्छा, तो हो गया, अब रोचक बन गया कहानी जी, बिल्कुल नाम के प्रयोग से। अच्छा तो हमें आइसक्रीम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आइसक्रीम तो सबका फेवरेट है, खाना चाहिए खाना चाहिए, पर कहानी से तो संदेश मिल रहा है आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, लेकिन रोज नहीं खाना चाहिए, जी बिल्कुल खाना चाहिए। तो संदेश के साथ साथ सर्वनाम का प्रयोग भी एकदम परफेक्टली आपने किया है।
तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियां आप हमेशा याद रखिएगा, कहानी आप खुद बनाइए, आप देखिएगा कि आपके कक्षा के बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो हिंदी इससे ज्यादा समझ रहे हैं तो एक बेहतर लेवल पर है तो उन शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, अदरवाइज बहुत सिंपल एकदम जनरल जो वाक्य है उनका ही प्रयोग कीजिए और ज्यादातर वही टॉपिक्स लीजिए जो बच्चों को पसंद है, कार्टून से संबंधित या उनके फेवरेट हीरो हीरोइन कुछ भी है या उनके फेवरेट खेल है आपके विद्यालय में कुछ। मैम इसके बारे में एक दो लाइन बोलना चाहती हूँ सर्वनाम के बारे में, जैसे हम बच्चों को ये भी बोल सकते हैं एक जैसे कविता के माध्यम से, नाम के नाम का प्रयोग जब बार बार जब आता भाषा को वह अटपटा बनाता, नाम का प्रयोग जब बार बार जब आता भाषा को वह अटपटा बनाता, नाम के स्थान पर शब्द जो आता सर्वनाम वो कहलाता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर, इस तरह की छोटी छोटी कविताएं जरूर मतलब उसमें रोचकता लेकर आती है। मेरे पास भी एक छोटी सी कविता मैं लिख के रखी थी, पता नहीं अभी मिलेगी नहीं, जब जरूरत होती है तो कोई चीज नहीं मिलती, जब मिलेगी तो बता दूंगी। तो इस तरह की छोटी कविताएं उसके साथ साथ छोटी छोटी स्टोरीज जो आप खुद लिखिए, आप अपने क्लास के अनुसार लिखिए और उनसे प्रयोग करवाइए और उनसे अभ्यास करवाइए। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम। अब है तो अभी तो कहा गया है कि मातृभाषा में भी आप पढ़ा सकते हैं छोटे क्लासेस में, साथ में हम अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं, इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम जितने भी हैं उन सबको अंग्रेजी में भी दे दीजिए और साथ में हिंदी में भी दे दीजिए। जैसे आई, आई मतलब मैं, लेकिन मैं के साथ हमेशा हूं का प्रयोग होता है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं खेलता हूँ, हूँ का प्रयोग हमेशा आता है। यहाँ पर ये चीजें बहुत महत्व रखती है क्योंकि बच्चा मैं के साथ है का भी प्रयोग कर देता है, लेकिन मैं का प्रयोग नहीं होगा, केवल हूँ का प्रयोग होगा और हूँ में भी बड़ी ऊ की मात्रा आती है, वो भी बहुत जरूरी है। इवन मैंने देखा है क्लास 10 के बच्चे भी हूँ की मात्रा छोटी ऊ लिखते थे। तो याद रखिएगा कि मैं के साथ हूँ का प्रयोग होता है और वो वहां पर उन्हें बार बार सिखाते हैं। यू, यू मतलब तुम के साथ हो का प्रयोग होता है, लेकिन ये बिना रेस्पेक्ट, मतलब अपने से छोटों के लिए हम तुम कहते हैं, लेकिन वही यू बड़े अगर हमसे हैं तो हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। ही शी इट अगर पास नियर है, हमारे नजदीक है, तो यह लड़का है, यह लड़की है, यह वस्तु है, यह किताब है, और वही थोड़ा दूर है, फार है, तो ही शी इट के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। वह लड़का है, वह लड़की है, वह किताब है। वी मतलब हम, तो हम के साथ हैं, है में डॉट आना चाहिए, है मतलब इज होता है में जो डॉट आता है उसका अर्थ है आर, ARER, जो आप इंग्लिश में यूज करते हैं, वी आर, तो वो डिफरेंस है वहां। बच्चे हैं और है में कोई डिफरेंस नहीं करते, दोनों हर जगह जहां चाहिए वहां यूज कर लेते हैं। तो हम हैं, हम भारतीय हैं, हम देशवासी हैं, तो हम शिक्षक हैं। तो इस तरह से है में डॉट आना जरूरी। यू रेस्पेक्ट के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है और आपके साथ हैं, आप महान हैं, तो है में डॉट आना जरूरी है। दे फार जो दूर है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वे, इसके साथ साथ रिस्पेक्ट के लिए भी प्रयोग करते हैं, वे मेरे गुरु हैं। वहां पर वे का प्रयोग केवल बहुवचन में नहीं है, साथ में रिस्पेक्ट के लिए भी है। दे नियर, ये बहुवचन के लिए लेकिन पास में जो आपके नजदीक है, ये और उसके साथ भी है में डॉट का आना जरूरी है। तो आप क्या कीजिए, मैं डैश हूँ, बगल में बच्चा अपने से लिखेगा मैं लड़का हूँ, तुम लड़की हो, यह पुस्तक है, वह पुस्तक है, हम भारतीय हैं, आप शिक्षक हैं, वे खेल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य उनसे करवा सकते हैं। अगर बड़ी कक्षाएं हैं 6-8 है तो इससे बड़े वो तो प्रोनाउन का प्रयोग करना जानते हैं, लेकिन वे और ये में हमेशा वो गलतियां करते हैं, तो वहां पर हमें ध्यान देना होगा। अब मेरा, मेरी, मेरे,
हमेशा बच्चे डाउट करते हैं कि मेरा प्रयोग मेरी और मेरे इसमें क्या डिफरेंस है. डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस. मेरा भाई सोहन है, ये सिंगुलर मस्कुलाइन मतलब एक वचन पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग होता है. वहां पर देखिए मेरा भाई सोहन है, तो भाई एक वचन है और पुल्लिंग है, इसलिए वहां मेरा शब्द का प्रयोग. मेरी बहन मीरा है, तो बहन के कारण वहां पर मेरी का प्रयोग हुआ. मेरी बहन मीरा है, एक वचन और स्त्रीलिंग. अगर बहुवचन हो और स्त्रीलिंग हो फिर भी मेरी शब्द का ही प्रयोग होगा, मेरी सर्वनाम का ही प्रयोग होगा. मेरी बहनी गाती हैं, केवल है में बदलाव आ जाएगा डॉट के साथ कि बताने के लिए कि ये बहुवचन है. मेरे भाई क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर मस्कुलाइन बहुवचन मतलब पुलिंग बहुवचन के लिए मेरे शब्द का प्रयोग होता है. इसके साथ साथ रेस्पेक्ट के लिए भी मेरे शब्द का प्रयोग होता है. मेरे बड़े भाई, तो वहां पर बड़े भाई के लिए भी मेरे शब्द का प्रयोग होता है सिंगुलर होने पर भी. तो यहाँ पर मेरा, मेरी, मेरे, ये सर्वनाम के साथ जब कारक जुड़ जाता है तो जो चेंजेस आते हैं वो इस रूप में आते हैं. उसी तरह तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे, उसका प्रयोग भी उसी तरह चलता है. तो अगर इससे संबंधित कोई डाउट है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तब मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलूंगी. कोई डाउट है इसमें? नो मैम. ये है हिज हर के लिए, उसका, उसकी, उसके. इसमें भी कारक का ही प्रयोग हुआ है, उसके साथ का के की लग गया है तो ये रूप बदल गया है सर्वनाम का. तो उसका लड़का खेलता है, देखिएगा उसका जो प्रयोग हुआ है लड़के के लिए हुआ है. उसकी लड़की खेलती है, उसकी बेटियां खेलती हैं, है के साथ डॉट आना जरूरी है, और उसके लड़के खेलते हैं. यहाँ पर उसका, उसकी प्रयोग हम रेस्पेक्ट के साथ में है, लेकिन अगर रेस्पेक्ट के साथ है तो उनका, उनकी, उनके, उसका, उसकी, उसके, बिना रेस्पेक्ट के. और वहीं पर अगर रेस्पेक्ट देकर कह रहे हैं उनका, उनकी, उनके, इन तीनों का प्रयोग होता है. साथ में बहुवचन के उनका, उनका मतलब ये बहुवचन के रूप में भी होता है, उनका, उनकी, उनके, बहुवचन के रूप में भी होता है. तो याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में हिज हर का ही प्रयोग होता है तो उसका, उसकी, उसके हिंदी में बदलता जाता है. तो बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि उसका प्रयोग कहाँ होगा, उसकी प्रयोग कहाँ होगा. तो सर्वनाम के बाद आने वाले शब्द के आधार पर, अगर लड़का है तो उसका, लड़की है तो उसकी, अगर बहुवचन है तो उसके पुल्लिंग में, तो इस पर निर्भर करता है आपका सर्वनाम. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम, यूअर, यूअर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे. तुम्हारा भाई सुंदर है, तुम्हारी बहन सुंदर है, तुम्हारी बहने सुंदर है, तुम्हारे भाई सुंदर है, के साथ डॉट में. तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये एक ही रूप में. मेरा, मेरी, मेरे, और तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इसी तरह से चलेगा. हमारा देश भारत है, ये बहुवचन के लिए. हम भी, हमारा, अवर, अवर्स के लिए भी हमारा ही प्रयोग करते हैं. तो हमारा, हमारी, हमारे. हमारा देश भारत है, हमारी धरती सुंदर है, हमारे लोग परोपकारी हैं. तो हम, हमारा, हमारी, हमारे, इसमें भी इसी तरह से परिवर्तन आता है, ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है.
आप बोलेंगे कि मैम तो कैसे जानेंगे कि हमारा पुलिंग में है, मतलब देश पुलिंग है, धरती स्त्रीलिंग है, तो कैसे जानेंगे? वो जब हम लिंग करेंगे तब आप जानेंगे कि जो निर्जीव चीजें होती हैं उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुलिंग है। और एक सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर कोई शब्द को एक वचन से बहुवचन में चेंज करते हैं तो उसमें एक ही मात्रा के साथ डॉट आ जाता है तो वो स्त्रीलिंग है, अगर डॉट नहीं आता है तो वो पुलिंग है। लेकिन बाकी सब आपको पता है, चिड़िया या में चंद्र बिंदु जहां पर भी आ जाता है वो स्त्रीलिंग ही है, मछलियां स्त्रीलिंग है, तो वो सब चीजें आप पहचान जाते हैं। तो याद करने का एक इजी तरीका है, बिंदी कौन लगाता है, बिंदी कौन लगाते हैं? अब सर बोलेंगे सर हम तिलक लगाते हैं, औरत लगाते हैं। तो जहां पर भी किसी भी एक वचन से बहुवचन बदलते हैं और वहां पर बिंदी लग जाती है एक ही मात्रा के साथ, एक ही मात्रा के साथ, तो वो स्त्रीलिंग वर्ड्स होते हैं। अगर एक ही मात्रा के साथ डॉट नहीं लगता है तो वो पुलिंग वर्ड्स होते हैं। एक सिंपल जनरल ऐसे बच्चों को याद रखने के लिए कि कैसे आइडेंटिफाई करें, एक छोटा सा एक विधि है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, वो जब आप लिंक करेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए अब सबसे ज्यादा जरूरी है वाक्य बनवाना, चाहे वो क्लास 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इवन मुझे तो लगता कि 9th और 10th को भी देना चाहिए ऐसे सर्वनाम, और उनसे कहना चाहिए कि आप वाक्य निर्माण जरूर कीजिए, वाक्य रचना जरूर कीजिए, तभी वो जान पाएंगे कि वो गलतियां कहाँ पर करते हैं। तो मैं से एक वाक्य बनाइए गौरी मैम, गौरी मैम एक वाक्य बनाइए। मैं जयंती पब्लिक स्कूल में काम करती हूँ। वेरी गुड, मैं जयंती पब्लिक स्कूल में काम करती हूँ। वेरी गुड, तो हूँ का प्रयोग पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रचना मैम मेरा से वाक्य बनाइए, मेरा नाम रचना है। हाँ जी अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। मेरा देश भारत महान देश है। बहुत सुंदर, मेरा देश महान है। तो और कोई, हम पढ़ते हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, एकदम सही। हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है। तुम इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या है। और अच्छे, तो इस तरह अब और एक छोटी सी एक्टिविटी मेरे दिमाग में आ रही थी, इस तरह की कुछ प्रणाम दे दीजिए और उनको बोलिए कि इससे ही एक मतलब परिचय जैसा, अपना परिचय दे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मेरे चार भाई बहन है, मेरी बड़ी बहन तो इस तरह से वह इस विद्यालय में पढ़ती है, तो इस तरह का परिचय, अपना परिचय केवल प्रणाम यूज करके कीजिए। तो चार या पांच लाइन बच्चे आराम से बोलेंगे, मेरा नाम क्या ये है और मैं यहाँ पढ़ती हूँ वगैरह। अब हम चलते हैं, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो या वाक्य पूरे कीजिए, ये एग्जाम में इसी तरह देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है या ये संबंधवाचक सर्वनाम है, इस तरह के भेद पूछते हैं, पर भेद से ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को प्रयोग पर ज्यादा फोकस करवाइए, उन्हें ज्यादा उसका अभ्यास दीजिए। डैश प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मैं यहाँ मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, आज डैश जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, डैश सभी भारतवासी हैं, हम सभी भारतवासी, डैश कौन है, कौन है, यहाँ पर मुझे मेरी माँ खाना बना रही है। आपको एग्जाम में अभी जो सेशन आपका सेशन एंड में जो टेस्ट होने वाला है उसमें इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे, प्रयोग से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। मैम इसमें एक जो सेकंड है जिसमें आज मेरा जन्मदिन है, ये क्वेश्चन मैंने एक बार दिया था बच्चों को,
सेवेंथ स्टैंडर्ड के अंदर, तो मैंने दोनों ऑप्शन दिए थे इसमें, मेरा और हमारा। तो एक बच्चे ने लिखा आज हमारा जन्मदिन है, वो बोलता है कि हम ट्विंस है, ट्विंस है। एकदम सही है मैम, एकदम सही है। आज हमारा जन्मदिन है, पांच या छह लोगों का जन्मदिन एक दिन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हाँ, तो मैम आपने ऑप्शन ही गलत दे दिए दोनों। हाँ, एकदम सही आपने कहा, तो वहाँ पे मैं ही ऑप्शन चेंज कर दे रही हूँ। और याद रखिए, तो फिर मुझे लगा कि हाँ सच में गलती है ये। और हमेशा बच्चे सही होते हैं, हम गलत होते, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीएड में भी कहा जाता है चिल्ड्रन ऑलवेज राइट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज उनको वो सही लगता है, तो उन्हें बिल्कुल सही हमें बताना, हाँ बेटा ये सही है, इस तरह भी हो सकता है, और हम भी बहुत कुछ सीख पाते हैं मैम उनसे। बहुत सही, क्योंकि प्रश्न निर्माण आसान काम नहीं है जी। तो एक बच्चे ने, हमने पूछा था कि मछली कहाँ मिलती है, बच्चे ने कहा फ्रिज में। मैं तो फ्रिज में ही देखा है ना, सही बात है। तो इसलिए प्रश्न बनाते समय हमें बहुत ध्यान रखना है, और हमेशा कोशिश कीजिए कि बच्चे ने जो लिखा है उसको एनालाइज करें जी। और इसके साथ साथ वर्तनी जब मैम कराएंगे, भुवनेश्वरी मैम आपको बताएंगे कि वर्तनी के लिए केवल आधा अंक रखिए, वर्तनी पर जब हम काटते हैं वर्तनी के लिए अंक, केवल आधा अंक से ज्यादा मत काटिए, क्योंकि भाव बहुत जरूरी है। भाव अगर ठीक रूप से प्रस्तुत हो पा रहे हैं, अगर शब्द इधर उधर हेर फेर है, आधा अंक काट लीजिए, एक अंक काट लीजिए, लेकिन चार में तीन अंक भाषा के लिए या वर्तनी के लिए ना काटे। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हम सर्वनाम के प्रॉपर कंटेंट पे चलते हैं, जो नॉर्मली हम क्लास 6-8 पढ़ाते हैं, या आई थिंक आप लोग क्लास 5 में भी पढ़ाते होंगे सर्वनाम और उसके भेद। तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और एग्जाम में परिभाषा कभी ना पूछे, बच्चों से परिभाषा कभी ना पूछे, और उसके एग्जाम्पल हमेशा आप जब भी लिखवाएं तो कलर पेंसिल्स का प्रयोग करवाएं, या कुछ ऐसा जैसे एक माइंड मैप के रूप में करवाएं, ताकि उन्हें याद रहे। इस तरह से सर्वनाम के भेद, बीच में सर्वनाम, चारों तरफ उनके भेद, जैसे है कि मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है तो हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष अलग अलग से नहीं करवाते हैं। जब क्लास 8 में आ जाते हैं तब हम उन्हें बताते हैं कि ये तीन जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सेकंड पर्सन मतलब तुम, थर्ड पर्सन मतलब अन्य, अन्य मतलब वे, ये, तो इस तरह के हम लिखवा देते हैं। और एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कोशिश कीजिए कि भेद से ज्यादा प्रयोग पर ध्यान दें। निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, तो इनको एक माइंड मैप के रूप में, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के रूप में जरूर बनवाए, एक चार्ट वर्क के रूप में, ताकि उन्हें सभी भेद याद रहे। बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, बोलते कि मैम सर्वनाम के 6 भेद हैं या 4 भेद हैं या 5 भेद, भेद याद रखने का एक इजी तरीका। पांडव कितने थे? पांडव पांच। लेकिन कर्ण भी कुंती का ही बेटा था। कर्ण भी, क्योंकि बच्चे 6-8 में महाभारत और रामायण से परिचित हो, तो कुंती के 5 पांडव प्लस कर्णा कितने हो गए? 6 हो गए। तो पंच पांडव और साथ में कर्णा, क्योंकि कर्णा भी उन्हीं का भाई था, कर्ण भी उन्हीं का भाई था, तो 6। तो हमारे सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। तो याद आ जाएगा, क्योंकि पंच पांडव याद है, पंच पांडव प्लस कर्ण, उनको याद आ जाएगा। तो किसी ना किसी चीज से जोड़ दीजिए ताकि वो भूले ना, उन्हें याद रहे कि भेद कितने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मैं, हम, तुम, हमारा, तुम्हारा, इन सबसे परिचित करवाएंगे, और सबसे पहले उन्हें क्लास में ही, अच्छा मैं प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वह, वे, ये, वो अन्य पुरुष, उसे एक परिचय पहले दे दीजिए। मैं खाना खा रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? और एक चीज है, इसमें वाक्य में हमेशा देखिए,
अगर वाक्य इस तरह से है, आप मुझे बताइएगा कि वाक्य सही है या गलत। मैं, हम और तुम ईद मनाएंगे। ईद उल फितर है तो ईद मनाना जरूरी है। मैं, हम और तुम ईद मनाएंगे, क्या वाक्य सही है? नो मैम। नहीं, क्या गलत है इसमें? हम बोलने से सब लोग आ जाते हैं ना। हम बोलने से सब लोग आ जाते हैं इसमें। ओके फाइन, तो मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं, तुम और वे। सही है। हमेशा मध्यम पुरुष को आगे रखना चाहिए, तुम, उसके बाद अन्य पुरुष, वे और मैं, हमेशा लास्ट में अपने आप को, मैं को, तब सेंटेंस में करेक्ट बैठ आना चाहिए, वो शुद्ध वाक्य के रूप में लिया जाता है। तो मध्यम पुरुष सबसे पहले, अन्य पुरुष उसके पास, और अंत में उत्तम पुरुष। तुम, वे और मैं ईद मनाएंगे, तो हमेशा इस सीक्वेंस में चलना चाहिए। वाक्य अशुद्धि शोधन हमारे क्लास 8 में और 10th में आता था पहले, अब नहीं है, अशुद्धि शोधन निकाल दिया गया है, तो उसमें इस तरह से पूछे जाते थे, लेकिन छोटी कक्षाओं में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप बस पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष को भी अलग अलग बताने की, कौन से आते हैं वो। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, जिसमें निश्चित रूप में किसी चीज के बारे में बताया, मतलब संकेत किया जाए, इसी के बारे में ही वहां पर बात होगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ, बस दो ही है, जिसमें आपको पता नहीं है कि क्या है, इसमें कुछ है, कोई आया है, तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इसमें बस दो ही है, कोई कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब आप प्रश्न करें और उसका उत्तर संज्ञा में मिले, कौन, क्या, यह क्या है, यह किताब है, कौन आया है, अध्यापिका आई है, किसे बुला रहे हो, राम को बुला रहा हूं, तो जहां पर आंसर संज्ञा में आए तो वो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक, खुद, अपने आप, स्वयं, जो कार्य अपने आप हम कर रहे हैं, यहाँ पे जब आप, अपने आप, खुद, स्वयं शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो निज, निज का अर्थ ही होता है पर्सनल। और है संबंध वाचक, जहाँ उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा बोएगा वह वैसा पाएगा। तो जहाँ पर उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वो है संबंध वाचक सर्वनाम। मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि कंटेंट आप सबको पता है, बस हम किस तरह के एक्टिविटीज कराएं ताकि क्या हो कि बच्चे जल्दी से सीखे और इंटरेस्ट, जैसे ही सर्वनाम बोलते हैं बच्चे भाग जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को आकर्षित करना होता है, अगर कलरफुल है और थोड़ा मतलब उसमें कुछ पिक्चर्स हैं तो जल्दी से, इवन छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बच्चे भी, इवन क्लास 10 के बच्चे, मीरा के पद जब मैं पढ़ाती हूँ तो मीरा के पद से संबंधित जितने भी चित्र हैं अगर लगा देती हूँ तो बच्चे उस चार्ट को बार बार देखते हैं। मीरा के पद से संबंधित जितने भी मतलब रेलेवेंट पिक्चर्स हैं हमेशा वो याद रखते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैम, आपने प्रहलाद के बारे में बताया था, हिरण्यकश्यप के बारे में बताया था, क्योंकि चित्र उनके दिमाग में छाप छोड़ जाते हैं। अभी देखिए, हम फिल्म देखते हैं, बहुत दिनों तक याद रहता है स्टोरी का, लाइन बाय लाइन, हीरोइन के ड्रेस से लेकर हीरो के स्टंट्स तक याद रहते हैं, क्योंकि वो हम आंखों के सामने देख रहे हैं। तो हर चीज बच्चों के आंखों के सामने चित्र के माध्यम से, रंगों के माध्यम से अगर हम लेकर आए तो कभी नहीं भूलेंगे। और कुछ ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं जो उनको क्लास 10 तक चाहिए, जब पद परिचय चाहिए तो हमें बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम जानना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी वो पद परिचय कर पाते हैं क्लास 10 में। उन्हें बताना पड़ता है कि संज्ञा का कौन सा भेद है, सर्वनाम का कौन सा भेद है।